जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी समेत जम्मू में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम था वो राजौरी जाने का भी था, जिस तरह से राजौरी में जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें हमारे कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई, उन विक्टिम फैमिली से भी उनके मिलने का एक कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां तक अभी नहीं पहुंचे। लेकिन जम्मू में इस समय हाई लेवल सिक्योरिटी को लेकर जो मीटिंग की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं राजभवन जम्मू में, और उसी के साथ साथ वहां पर LG मनोज सिन्हा भी मौजूद है, और कुछ देर में एक प्रेस ब्रीफिंग भी उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों को अमित शाह जी के दौरे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरह से कुछ दिन पहले भाजपा के नेताओं की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी, और उसमें भी कई मुद्दों पर जो बात हुई है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर, और क्या कुछ वो बातें हुई अभी बहुत साफ तौर पर तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर सुनने में आया था कि अमित शाह जी ने तमाम नेताओं से कहा था कि जो भी मसले में शायद है उसको लेकर LG मनोज सिन्हा जी से बात आप जरूर करें। यानी एक पॉजिटिव वे में वहाँ पर मीटिंग हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आज जो जिस तरह से उनका दौरा जम्मू का है, वो सिक्योरिटी को लेकर भी बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये तमाम जो इस समय बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खासतौर पर डेली वेजेस को लेकर बात कर लें, तमाम जो सरकारी मुलाजिम सड़कों पर हैं, बेरोजगारी को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। मेरे साथ सांबा से सरपंच लवलू सुंब्याल जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिला प्रधान हैं सांबा जिला के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह जी को क्या ये संदेश देना चाहते हैं, जो इनकी भी मांगे हैं कि तमाम मांगों के ऊपर गौर करना चाहिए। तो अमित शाह जी का जिस तरह से दौरा है जम्मू का, वो सिक्योरिटी को लेकर अभी मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या कुछ आप उनके साथ कुछ बातें जो उनके आगे रखना चाहते हैं, जिससे लेकर काफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें हैं। भाजपा के नेता भी लगातार दिल्ली में थे, मीटिंग कर रहे थे, चुनावों को लेकर भी लगातार बात की जा रही थी, शायद आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में शांति चुनाव भी होंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो आप अमित शाह जी तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, जो राजौरी में हमारे जो मिलिटेंट अटैक हुआ था वहाँ पे उनके परिवार से सहानुभूति उनसे करने के लिए यहाँ पे आए थे। मौसम के चलते आज उनका दौरा जो है वो कैंसिल हुआ है। इसी के साथ में सिक्योरिटी रीजन को लेकर एक बड़ी उनकी मीटिंग भी चल रही है, और एक सिक्योरिटी जो हमारी फेलियर कहीं ना कहीं राजौरी में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, चाहे सांबा में सुरंगें निकाली जा रही हैं वाटर क्रॉसिंग के लिए, सिदरा में अटैक हुआ है, टारगेट किलिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर जो है यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें दिख रहा है। इसी के चलते अमित शाह जी का जो दौरा है, हमें लग रहा है कि सिक्योरिटी के रीजन के इसके ऊपर कोई अहम बड़े फैसले या बड़ी कार्रवाई जो है हो सकती है। इसी के साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गद्दावर नेता जो कहे जाते हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग जो है अमित शाह जी से कही है। हालांकि उस मीटिंग को वहां पे कोई ब्रीफ नहीं किया गया, यहां पे आके उनकी तरफ से कुछ आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से लगातार हमारे खासकर जो डेली वेजर लोग हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनकी जायज डिमांडे हैं, जो कि 20-30 साल से यहाँ पे डिपार्टमेंटों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से आज भी उन्हें वही 6,000 से उठाकर 9,000 के ऊपर लाया गया, लेकिन उनके लिए रेगुलराइज पॉलिसी जो है कुछ भी नहीं बनाई जा रही। जैसे कि दिल्ली में, पंजाब में अगर रेगुलराइज पॉलिसी जो गवर्नमेंट इंप्लाइज जो लगे हुए थे डेली वेजर वहां पे बनाई गई, उनको बड़ी आस है कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे साथ जब इलेक्शन आती है तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमलेबाजियां जो की जाती हैं, कहीं ना कहीं अभी वो टाइम आ गया है इलेक्शन का दौर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 50 पार करना है और मई महीने में इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। तो इसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो तेज हो रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट, हर इंप्लाइज की कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाइज की तरफ से वो किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले बिजली विभाग की तरफ से 2 दिन टोटली बिजली जो है वो बंद रखी गई, कहीं ना कहीं यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बहला बुला के कोई वादे करके दोबारा इनको स्ट्राइक जो है कैंसिल करवा के और टाइम दिया गया कि आपके वादे पूरे होंगे। इसी के साथ में PHE इंप्लाइज होते गवर्नर साहब, डिपकॉम साहब की तरफ से उनको भी आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हमारे जो BSF, हमारे SI की रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो रिक्रूटमेंट कैंसिल की गई थी, उसमें जो करप्शन हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार जो बड़े लेवल के ऊपर 25-25-20-20 लाख रुपया सुनने में आ रहा है कि वो दिया गया था, उसको लेकर बोल लीजिए। या फिर हमारी जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो भी लगातार प्रदर्शन के ऊपर चल रही हैं।
तो हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो नेता गए थे इन्होंने जरूर वहां पे ये बातें जो है सारी हमारे माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखी होंगी, और उनकी तरफ से जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एलजी साहब से आप जाकर मिलिए, अगर इस टाइम के ऊपर इलेक्शन के टाइम के ऊपर एक तो पहले भी महंगाई की मार जो इनकी तरफ से दी जा रही है उसका लोग किस तरह से ये गरीब लोग जो 8-8, 9-9 हजार रुपया तनख्वाह जो मिलती है या नहीं मिलती है ये भी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि पिछले 72 महीने की तनख्वाह पीएचसी के एम्प्लॉय को नहीं मिली। इसी के साथ में जो पीएचसी के अभी हमारे थोड़ी देर पहले जो इनकी स्ट्राइक चल रही थी उस स्ट्राइक की पे जो है इन लोगों को नहीं गई, जिसके बीच में करवा चौथ का व्रत भी आया था वो नहीं मिली। आज 13 तारीख है, पूरे देश में लोहड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, लोहड़ी की पूरे देश के लोगों को बधाई, लेकिन हमारे जो कच्चे इंप्लाइज हैं वो आज भी उनके बच्चे उनके घर परिवार के लोग आज भी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए ये जो लोहड़ी है जैसे आज हमारे जम्मू में रैपरे खेल के लोगों ने बीजेपी के ऑफिस के सामने एक काली लोहड़ी जलाई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म अगर होगी बीजेपी वालों को तो उन्होंने ये बातें अपनी हाई कमान के आगे अगर रखी हैं तो हमें भी यकीन है, और मैं भी एक लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोगों का रिप्रेजेंट होने के नाते हमारे गृह मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरकार आप कितनी देर इन लोगों को तड़पाओगे, इन लोगों का कसूर क्या है, जो पुरानी सरकारें थी या आने वाली सरकारें जो पहले वालों ने किया, आप भी अगर उसी तर्ज के ऊपर चलोगे तो ये जो हमारी बातें हैं ये कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्याएं जो हैं दिन ब दिन महंगाई की वजह से करप्शन की वजह से धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में पंजाब में और आज अभी शाम को हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी अनाउंस कर दी गई है, और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है ओपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मुलाजमों की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बड़ा और सीरियस मैटर जो है अगर बीजेपी समझती है, अगर तो ये सोचती है कि नहीं ये लोग जाएंगे कहां, जैसे पीछे भी इनके लीडरों ने बोला था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कोई, तो लोग जाएंगे कहां, लेकिन एक समस्या जो है आए दिनों चाहे सोशल मीडिया पे बोलिए या किसी भी प्रेस के मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को जो लोगों की अर्जेंटमेंट है वो देखने को मिल रही है, और जिसका जवाब जो है चाहे वो दिल्ली एमसीडी की इलेक्शन बोलिए, चाहे वो हिमाचल की असेंबली की इलेक्शन बोलिए, चाहे वो गुजरात की इलेक्शन बोलिए, जहाँ पे 47 लाख वोट आम आदमी पार्टी की चोली में लोगों ने इन्हीं सभी समस्याओं के चलते हुए डाला है, और आज आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनी है। यानी आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से अमित शाह जी समय जम्मू में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ वो इन अहम मुद्दों के ऊपर भी बात करें, कुछ ना कुछ यहाँ पर बोल के। देखिए ये जो मुद्दे हैं ये जनता से जुड़े हुए हैं, यहाँ से वोट लेने हैं। ये जो सिक्योरिटी रीजन है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, मैं तो कहूंगा कि अमित शाह जी आज आए हैं, अगर गवर्नर साहब को चेंज कर दे तो बहुत से लोगों के जो मन की हित की बात है शायद वो पूरी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टाइम चल रहा है सिक्योरिटी की वजह से हमारे चाहे वो टारगेट किलिंग बोलिए, चाहे वो मिलिटेंट अटैक बोलिए, चाहे बॉर्डर के ऊपर सुरंगे बोलिए, चाहे किसी विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से एक स्नैचिंग वेपन स्नैचिंग का काम बोलिए, या कोई ऐसी बड़ी बड़ी जो बातें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी थ्रेट जो है एक अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जिसके बड़े बड़े वादे यहाँ पे जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिल तहसील खत्म होने के दौर पे ऐसे ऐसे जो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन जो है ऐसे कांड ऐसे जो अटैक हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आए हुए हमारे गृह मंत्री जी आज करते हैं तो लोगों का विश्वास जो है जो हमारे नेता गए थे उन्होंने जो बातें वहां पे रखी है या नहीं रखी है, अगर रखी क्योंकि उनकी तरफ से बोला जा रहा है हम नहीं जानते कि वहां पे क्या बातें रखी, अगर ये यहाँ पे कोई स्टैंड लेते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को जो थ्रेट बना हुआ है वो खत्म हो सकता है, और ये जो एक बड़ी बात है जो आम जनता के लिए है, अगर कोई लीडर है, अगर कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर एक चुनी हुई पार्टी है तो वो ये जो मुद्दे हैं जो हमने सारे गिनाए हैं अगर इनकी समस्या अगर हल कर देती है तो आने वाले टाइम में इसका फायदा, और अगर नहीं देती है तो इसका नुकसान जो है जम्मू कश्मीर में 50 की जगह कहीं 5 के ऊपर ना आ जाए, इनको भुगतना जो है वो पड़ेगा, क्योंकि लोगों की रिजेंटमेंट इस टाइम में हर जगह पे हर चौक चौराहे पे हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को जो है वो मिल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरपंच डब्ल्यू जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, खासतौर पर जो सरकारी मुलाजिम है वो लगातार
सड़कों पर है, कई कई महीनों को इनको सैलरियां नहीं मिली है। जैसे पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले मुलाजिमों की बात करें जो कश्मीर में कार्यरत है, लेकिन टारगेट किलिंग होने की वजह से वो जम्मू में है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एससी एसटी इम्प्लॉयज की बात कर लें, रैपरे खेल इम्प्लॉयज की बात कर लें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अमित शाह जी को सिक्योरिटी के साथ साथ इन मुद्दों के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग इस समय हाई लेवल लगातार जारी है, और मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले सिक्योरिटी को लेकर लिए जा सकते हैं और फैसले हो सकते हैं कि लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग जो कुछ देर में होने वाली है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि भाजपा के जो नेता ये तमाम बातें वहां अमित शाह जी के साथ दिल्ली में करके आए हैं उसके ऊपर अमल किया जाएगा, और उसी के साथ साथ जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि आप एलजी साहब से ये तमाम बातें रखें, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में, तो चुनावों से पहले इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता इस समय जो लगातार बनी हुई है वो यही है कि अगर इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। उससे पहले इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है, और केंद्र सरकार ही इन मुद्दों को एड्रेस कर सकती है। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया।